देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पर आ गई है। जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। લોકસભાની ચૂંટણી નજીક છે અને આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ કોંગ્રેસનો જ વિરોધ કરતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આવું અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે કોંગ્રેસના જ નેતા આચાર્ય પ્રમોદ કૃષ્ણમ છે, તેમના દ્વારા રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું છે। એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસને લઈને પણ તેમણે ઘણી બધી વાત કરી છે। શું કહેવું છે પ્રમોદ કૃષ્ણમનું, આવો સાંભળો। જબ માલ આતા હૈ તો કઈ તરહ કી સમસ્યા ભી સાથ લાતા હૈ। ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकड़ों करोड़ रुपए का जो उन्हें नोटिस मिला है तो आखिर क्यों मिला है? तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। 1800 करोड़ हो या 18000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है, डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है, लुटेरा कभी नहीं कहता वो लुटेरा है, लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो नेता ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचों की जद में हैं, वो अगर सच्चे देशभक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो जब सरकार का दबाव नहीं, अब न्यायपालिका अगर हमारे हक में फैसला कर दे तो न्यायपालिका ठीक है, अगर हमें नोटिस दे दे तो न्यायपालिका गलत है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पर आ गई है। तो जो पार्टी सनातन को मिटाने के रास्ते पर आ गई है, जो पार्टी वंदे मातरम और भारत माता की जय का रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पर आ गई हो, उस पार्टी को भगवान भी कैसे बचाएगा? और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा आज निवेदन આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈને આપનું શું માનવું છે? કોંગ્રેસની જે હાલ પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને આપનું શું કહેવું છે? શું આ પ્રકારના કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા કહેવામાં આવતા નિવેદનો કોંગ્રેસને આવનારી લોકસભા ચૂંટણીમાં નડી શકે છે? આ સવાલને લઈને આપનું શું માનવું છે એ પણ અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો। સાથે જ આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। નમસ્કાર।